जेनेसिस फाउंडेशन ने कसौली में रॉक बैंड कंसर्ट का आयोजन किया। इस कंसर्ट में देश के नामी ग्रामी सुप्रसिद्ध रॉक बैंडों ने भाग लिया और अपने गीतों से उपस्थित दर्शकों का खूब मनोरंजन भी किया। शुभांगी जोशी और प्रतिज्ञा बैंड ने एक से बढ़िया एक तराने छेड़कर उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर भी कर दिया। आपको बता दें कि संस्था रॉक बैंड कंसर्ट के माध्यम से फंड इकट्ठा करती है ताकि ये पैसा उन गरीब परिवार के बच्चों के काम आ सके जो हृदय की विशेष बीमारी से पीड़ित हैं। जेनेसिस फाउंडेशन ने कसौली में रॉक बैंड कॉन्सर्ट का आयोजन किया। इस कंसर्ट में देश के नामी ग्रामी सुप्रसिद्ध रॉक बैंडों ने भाग लिया और अपने गीतों से उपस्थित दर्शकों का खूब मनोरंजन भी किया। शुभांगी जोशी और प्रतिज्ञा बैंड ने एक के बाद एक तराने छेड़कर उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर भी कर दिया। आपको बता दें कि जेनेसिस संस्था रॉक बैंड कंसर्ट का आयोजन संस्था में फंड बढ़ाने के लिए करता है ताकि इस फंड का इस्तेमाल वे गरीब परिवारों के बच्चों के लिए कर सकें जो हृदय की विशेष बीमारी से पीड़ित होते हैं। फाउंडेशन के संस्थापक ज्योति सागर ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन फंड एकत्रित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक संस्था करीब 2100 बच्चों का इलाज करवा चुकी है जो हृदय की बीमारी से ग्रस्त थे। उन्होंने ये भी बताया कि 3 वर्ष पहले 7 घंटे की बच्ची की सर्जरी करवाई गई थी जो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बताया कि अगर इस विशेष हृदय रोग को इलाज समय पर नहीं होता है तो बच्चों की उम्र कुछ माह तक ही होती है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था उन गरीब परिवारों की भी मदद करती है जिनकी आय 10,000 प्रति वर्ष से कम होती है। फाउंडेशन है वो बच्चों के जो अपना गरीब से गरीब परिवार है, मतलब कि उनकी जो इनकम है 10,000 रुपया प्रति मास से कम है, तो उनको हम सपोर्ट करते हैं कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के लिए। उसका मतलब कि बच्चा जो है वो हार्ट डिफेक्ट के साथ पैदा हुआ और अगर इसको नहीं ठीक किया जाए तो बच्चे की जो लाइफ है वो बिल्कुल लिमिटेड हो जाती है। और कई मतलब काफ़ी सारे जो बच्चे हैं कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट के साथ वो अपने पहले बर्थडे पे भी नहीं पहुंचते। तो हम ये जो फंड रेजिंग है वो हम उन्हीं बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, जैसे हमारे बाकी फंड्स भी हैं वो भी उसी काम पे लगते हैं, क्योंकि हमारी जो फाउंडेशन का उद्देश्य है वो यही है कि कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट से जो पीड़ित बच्चे हैं गरीब से गरीब परिवारों को, उनको हम मेडिकल सपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट अरेंज करवाते हैं और उसकी जितना खर्चा आता है वो हम बेयर करते हैं। करीबन 2100 बच्चे जो हैं वो हमने ऑलरेडी ट्रीट किए हैं और इसका जो जो इसकी सक्सेस रेट है वो हार्ट की सर्जरी की आजकल इतनी अच्छी उसकी टेक्नोलॉजी और सिस्टम अच्छे हो गए हैं, तो हमारा जो करीबन सक्सेस रेट है वो 99% है। तो 3 साल पहले कोची में अमृता हॉस्पिटल में हमने एक छोटी बच्ची जो 7 घंटे की सिर्फ थी तो उसकी सर्जरी हुई थी और वो कामयाब सर्जरी थी, वो बच्ची बिल्कुल ठीक चल रही है। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।